शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी विनीत कुमार व पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बिलौना बाईपास का निरीक्षण करते हुए उसमें यातायात की संभावनाओं को तलाश किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि बिलौना बाईपास रोड में सुधार करते हुए डामरीकरण किए जाने की कोशिश है ताकि बड़े वाहनों को बाईपास से निकाला जा सके। पेश है सीसीएन न्यूज की रिपोर्ट। आज बिलौना बाईपास का इंस्पेक्शन किया गया है जिसके अंदर SDM, XCN, PWD, ARTO, SP साहब ये सब भी उपस्थित थे। बेसिकली हमारी कोशिश ये है कि जितने भी बड़े ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं, वो शहर के थ्रू ना जाते हुए ये बाईपास का यूज़ करें, तो इसकी स्थिति जानने के लिए आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। अभी इसमें काफ़ी काम होना है। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए लास्ट ईयर हमने इसमें जिला योजना में भी इसमें लगभग 80-90 लाख रुपया इसमें रखा था, जिसमें ऑलरेडी XCN PWD के द्वारा बताया गया कि इसमें टेंडर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी एग्रीमेंट की कार्रवाई इसमें चल रही है, बहुत जल्दी जो है इसमें सोलिंग का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी मैंने इनको ये भी निर्देश दिए हैं कि इसमें एक बार आप इसके डामरीकरण के लिए भी एक एस्टिमेट बना लीजिए और उसके भी हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, या तो DMF फंड से करेंगे। अगर इसमें एस्टिमेट ज़्यादा बनेगा तो उसको शासन स्तर में उसको प्रेषित करेंगे।